बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर प्लाज्मा फिजिक्स कोर्स सेमेस्टर 8। चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट फ्लूइड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा और प्लाज्मा एज फ्लूइड्स। लेट्स get some introduction about plasmas as fluids. In chapter number 1 and chapter number 2, we have already discussed the plasma density, and that plasma density is about 10 raised to power 12 10 raised to power 12 ion electrons pairs per cubic centimeter। हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन आइंस की पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वो 10 रिस पार 12 होती है। अच्छा, अब हम अगर इफ ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स फॉलोज अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री, मतलब हम एक सिंगल पार्टिकल को अगर हम डिस्कस करें और हर एक एक पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको हम डिस्कस करें, फॉलो करें, एंड इट इज नेसेसरी टू फॉलो ईच ऑफ दीज, और ये हर एक को फॉलो करना, हर एक पार्टिकल की के पाथ को फॉलो करना जरूरी भी हो, देन प्रिडिक्टिंग द प्लाज्मा बिहेवियर वुड बी होपलेस टास्क। सो हम ये नहीं कर पाएंगे कि हम एक एक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को प्लाज्मा के अंदर जो है वो हम उसको फॉलो करते फिरें, तो ये एक हमारे लिए एक मतलब बहुत ही मुश्किल काम है जो हम नहीं करेंगे। फॉर्चुनेटली दिस इज नॉट यूजली नेसेसरी, हर एक पार्टिकल के बाद को फॉलो करना जरूरी नहीं है प्लाज्मा में, बिकॉज सरप्राइजिंगली 80% ऑफ प्लाज्मा फिनोमिना वुड ऑब्जर्व्ड इन रियल एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन बाई अ रेदर क्रूड मॉडल, दिस मॉडल इज दैट यूज इन फ्लूड मैकेनिक्स। क्रूड मॉडल क्या है? क्रूड मॉडल इज यूज इन फ्लूड मैकेनिक्स इन विच द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज निगलेक्टेड। हम क्रूड मॉडल को डिस्कस करेंगे, क्रूड मॉडल के जरिए प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे, और क्रूड मॉडल में हम इंडिविजुअल पार्टिकल की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स इन केस ऑफ प्लाज्मास द फ्लूइड कंटेन्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस। हम जानते हैं इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस, सो वी से इट इज इलेक्ट्रिकल गैस, प्लाज्मा इज एन इलेक्ट्रिकल गैस। In an ordinary fluid, when we talk about ordinary fluid, in an ordinary fluid, frequent collisions between particles keep the particles in a fluid element moving together. ये बात याद रखनी है कि ordinary fluid में क्या होता है? Ordinary fluid means आम पानी है, उसमें क्या होता है? Frequent collisions particles के बीच में मुसलसल collisions होती हैं, और उस वजह से जो fluids होता है, fluid के particles होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। बट इट इज सरप्राइजिंग दैट सच अ मॉडल वर्क्स फॉर प्लाज्मास विच जनरली हैव इनफ्रीक्वेंट कोलिजंस। प्लाज्मा में इनफ्रीक्वेंट कोलिजंस होती है, लेकिन आम फ्लूइड्स में फ्रीक्वेंट कोलिजंस होती हैं। फिर भी हमारे लिए
ये हैरान कौन है कि क्रूड मॉडल जो आम फ्लूड के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है, जो आम फ्लूड के लिए एप्लीकेबल होता है, वो प्लाज्मा के लिए कैसे एप्लीकेबल है, जबकि आम फ्लूड में, ऑर्डनरी फ्लूड में जो फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होती हैं, कोलिजन्स आप बिटवीन द पार्टिकल्स होती हैं, वो फ्लूड को मूव करवाती हैं, बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ प्लाज्मा. सो वाई क्रूड मॉडल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्लाज्मा. ठीक, बट वी शल सी दैट देर इज अ रीजन फॉर इट. ये हम आगे चल के देखेंगे कि इसके पीछे भी एक रीजन है. इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी शल बी कंसर्न विद वट कैन बी लर्न फ्रॉम द फ्लूइड थ्योरी ऑफ प्लाज्मास. डिस्कस करेंगे आगे. हम डिस्कस करेंगे वट कैन बी लर्न फ्रॉम द फ्लूइड थ्योरी ऑफ प्लाज्मास, अ मोर रिफाइंड ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं द कनेटिक थ्योरी ऑफ प्लाज्मास requires more mathematical calculations that then is appropriate for an ordinary course. Okay. मतलब kinetic theory of gas plasma में जो mathematical जो calculations होती हैं वो ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ordinary fluids के. ठीक, and introduction to kinetic theory will be given in chapter number 7 inshallah of this book. In some plasma problems neither fluid theory nor kinetic theory is sufficient. Kuch plasma ke case mein fluid theory na fluid theory applicable hoti hai na kinetic theory jo hai wo applicable hoti hai. Then one has to fall back on the tedious process of following the इंडिविजुअल ट्रिजेक्ट्रीज. वहाँ पर फिर हमें वही पुराना जो तरीका है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की ट्रिजेक्ट्री के ऊपर फिर हमें आना पड़ता है. मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम ऐसा करते हैं कि ईच पार्टिकल की ट्रिजेक्ट्री को हम फॉलो करते हैं. आल दो दे हैव ओनली एनफ मेमोरीज टू स्टोर द पोजिशन एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स फॉर अबाउट 10^4 पार्टिकल्स तक तो ये हम उनकी पोजीशन वेलोसिटी वगैरह जो है वो हम उनकी स्टोर कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं. लेकिन हम जानते हैं फ्लूड जो प्लाज्मा की डेंसिटी 10^12 तक जानी है, 10^12 पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमारे जो सिस्टम्स हैं वो अभी इस काबिल नहीं हैं. एंड एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ओनली इन वन और टू डायमेंशंस. Nonetheless, computer simulations has recently begun to play an important role in filling the gap between theory and experiment in those instances where even kinetic theory cannot come close to explain what is observed. Relations of plasma physics to ordinary electromagnetics. We have already discussed Maxwell's equations. Let's remind what were Maxwell's equations. What are Maxwell's equations rather in vacuum and in case of medium. First of all, in case of vacuum. तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है डेल डॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड वी नो इट इज गॉसियस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. Here we have curl of electric field or del cross E is equal to minus partial B by partial T. And this is, we know, is the Faraday's law of electromagnetic induction. While del dot B is equal to zero. Del dot B is equal to zero. This is
दिस इज गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, दिस वॉज इक्वेशन नंबर टू, एंड हेयर इज एम्पेयर्स लॉ, रेदर वी कैन से इट इज मैक्सवेल्स एम्पेयर्स लॉ बिकॉज इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ. डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाई पार्शियल टी. ये ई डॉट लिखा हुआ है, ये असल में पार्शियल ई बाई पार्शियल टी है. दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. दीज आर फोर मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम. नो, इन केस ऑफ मीडियम, इन केस ऑफ मीडियम डेल डॉट डी, हियर डी इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यू नो डेल डॉट डी इज इक्वल टू सिग्मा, इक्वेशन नंबर फाइव. डेल डॉट डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई इज इक्वल माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी, ये वही है. इक्वेशन नंबर सिक्स कह देते हैं इसको. डेल डॉट बी इज इक्वल जीरो, ये भी उसी तरह आ गई है. इन केस ऑफ मीडियम भी ये वही होती है. डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी बाय पार्शियल टी, पार्शियल डी बाय पार्शियल डी. दिस इज इक्वेशन नंबर एट. डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई के इक्वल होता है. इन केस ऑफ मीडियम डी इक्वल होता है एप्सिलॉन ई के, एप्सिलॉन ई के इक्वल होता है. जबकि जो बी होता है इनकेस ऑफ मीडियम, बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, म्यू एच, या म्यू इज इक्वल टू बी ओवर एच होता है. बी ओवर एच, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर टेन. दीज आर द टेन इक्वेशंस. इन इक्वेशन फाइव एंड एट, इन दोनों में देखें, फाइव में और इस एट में, इन दोनों में आप गौर कीजिएगा क्या कहता जा रहा है. इन इक्वेशन फाइव एंड एट सिग्मा एंड जे स्टैंड फॉर द फोर्स, द फ्री चार्ज. ये जो सिग्मा है ये फ्री चार्ज के लिए, एंड जो जे है ये करंट डेंसिटी के लिए रिस्पेक्टिवली. ठीक, सिग्मा क्या है, ये फ्री चार्ज है, इज द फ्री चार्ज, एंड जे इज द करंट डेंसिटीज. द बाउंड चार्जेस एंड करंट डेंसिटीज अराइजिंग फ्रॉम पोलराइजेशन, अराइजिंग फ्रॉम पोलराइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मीडियम आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज डी एंड एच. डी एंड एच, डी के, डी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो एप्सिलॉन ई के इक्वल था, और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो बी इज इक्वल टू म्यू एच के इक्वल होता है, या एच इज इक्वल टू बी ओवर म्यू के इक्वल होता है. और इन दोनों में हमने बाउंड चार्जेस और करंट डेंसिटीज जो पोलराइजेशन से प्रोड्यूस होती हैं वो हम इसके अंदर जब वो उनको हम डिफाइन करते हैं या उनको हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं. बाउंड चार्जेस एंड करंट डेंसिटीज अराइजिंग फ्रॉम पोलराइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मीडियम आर इंक्लूडेड इन द, ठीक है, बाउंड चार्जेस मीन जिसका को डायलैक्ट्रिक है ना, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर हम जानते हैं कि उससे डाइपोल्स बन जाते हैं. तो चार्जेस उसके अंदर आल दो उनके बीच में सेपरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन वो रहते बाउंड ही हैं. सो इन केस ऑफ मीडियम द बाउंड चार्जेस एंड करंट डेंसिटीज अराइजिंग फ्रॉम पोलराइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मीडियम आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशंस ऑफ द क्वांटिटीज डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ ई एंड म्यू. इन प्लाज्मास द आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स कंप्राइजिंग द प्लाज्मा आर द
are the equivalent of the bound charges and current densities. ठीक, प्लाज्मा में आइंस और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो प्लाज्मा प्लाज्मा जिन पे मुश्तमिल होता है, आर द इक्विवेलेंट ऑफ बाउंड चार्जेस एंड करंट डेंसिटीज. नोट दैट वी हैव यूज्ड ई एंड बी इन द वैक्यूम इक्वेशंस. अगर आप देखें कि हमने जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ वगैरह इक्वेशन जो हमने मैक्सवेल इक्वेशन कही थी, उसके अंदर हमने ई और बी का इस्तेमाल किया है. इस तरह सिक्स इक्वेशन है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी. ठीक है, इसी तरह जो है वो डेल डॉट बी इज इक्वल जीरो. मीन हमने मीडियम के केस में भी मैक्सवेल इक्वेशन में ई और बी का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया है, रेदर देन देयर काउंटर पार्ट्स, उनके जो इक्विवेलेंट हैं ए और बी के, डी और एच जो कि ये होने चाहिए थे, उनकी बजाय हमने ई और बी का इस्तेमाल किया है. उसकी क्या वजह है? विच आर रिलेटेड बाय द कॉन्स्टेंट्स म्यू नॉट एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट. ये जो ई और बी होते हैं, इनके अंदर हम एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट यूज़ करते हैं, लेकिन डी और एच जो हैं वो वैक्यूम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए थे हमें, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया है. दिस इज बिकॉज द फोर्सेस क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स एंड जे क्रॉस बी जो लॉरेंस फोर्स कहलाती है डिपेंड ऑन ई एंड बी. देखें इसमें इसमें ई मौजूद है, इसमें बी मौजूद है, तो ये जो इक्वेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि डी और एच के ऊपर डिपेंड करती हैं. इसलिए हमने मैक्सवेल इक्वेशन फॉर वैक्यूम में हमने ई और बी का इस्तेमाल किया है रेदर देन डी एंड एच. अल्लाह हाफिज़.